नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं भूगोल विषय के अंतर्गत हम महासागरों का महत्व इस पाठ के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं या इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने संसार में कुल कितने महासागर हैं और उन महासागरों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है यह सीखा, और इसके साथ ही साथ समुद्र के जल के खारापन होने के क्या कारण है इनके साथ ही साथ और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम महासागरों का महत्व इस पाठ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं, महासागर और जलवायु। यहाँ पे आप देख सकते हैं महासागर और जलवायु, इसके आगे महासागर एवं संसाधन और महासागर और परिवहन और इसके और महासागर की समस्याएं। ये जो चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस पाठ के अंतर्गत, इन चार महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम विस्तार से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं महासागर और जलवायु। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हम इस पाठ में पहले वाला जो पाठ था तापमान, उसके अंतर्गत हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि महासागर के किनारे वाला जो तटवर्ती प्रदेश होता है वहाँ पर जलवायु या मौसम साल के 12 महीने सौम्य बना रहता है, यानी न तो अधिक गर्मी रहती है न तो अधिक ठंडी रहती है। तो ये सब किस कारण से होता है? महासागर के होने के कारण होता है। किस प्रकार होता है? अरे बच्चों, आप जानते हो कि जहाँ पर या जिस स्थान पर वायु दाब अधिक रहता है उस तरफ से, जिस स्थान पर वायु दाब कम रहता है उस तरफ हवाएं चलती हैं। तो महासागर के ऊपर वायु दाब अधिक रहता है और अस्थल की तरफ वायु दाब कम रहता है, इस कारण से दिन में महासागर की तरफ से अस्थल की ओर हवाएं चलती हैं और ये हवाएं वाष्पयुक्त होती हैं, जिसके कारण ये वाष्पयुक्त हवाएं अस्थल की ओर जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं वहाँ के तापमान को सौम्य बनाती हैं। ये सब किस कारण से होता है? पहले महासागर के कारण से। यदि महासागर नहीं होते तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती? नहीं ना। तो इस प्रकार महासागर जलवायु पर प्रभाव डालते हैं और इसके अंतर्गत और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यहाँ पर एक एक करके हम सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं तापमान को सम बनाने में सहायक। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, तापमान को सम बनाने में सहायक होते हैं महासागर की ओर से आने वाली वाष्पयुक्त हवाएं। महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को सम बनाती हैं। संसार में जितने भी देश समुद्र के किनारे हैं उनके तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु या तापमान साल के 12 महीने सम बना रहता है, न तो अधिक गर्मी रहती है न तो अधिक ठंडी रहती है। अगला मुद्दा है सागरी धाराओं का तापमान पर प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें साल के 12 महीने लंबवत रूप में पड़ती हैं, जिसके कारण वहां पे तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण वहां पर वायु दाब कम होता है और विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे या विषुवत वृत्त से हम जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तापमान में अंतर के कारण वायु दाब में भी अंतर होता है और इस कारण से वायु दाब में अंतर के कारण साल के 12 महीने ग्रही हवाएं चलती हैं। ग्रही हवाओं के कारण फिर समुद्री तल में जल धाराओं की निर्मिति होती है या जल धाराओं का निर्माण होता है। पूरे पृथ्वी पर दो प्रकार की जल धाराएं निर्माण होती हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में शीत धाराएं और विषुववृत्तीय क्षेत्र में उष्ण धाराएं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, उष्ण धाराएं विषुववृत्तीय क्षेत्र में और ध्रुवीय क्षेत्रों पर शीत धाराएं। तो उष्ण धाराएं जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं वहां के तापमान को वो गर्म करती जाती हैं, इसके विपरीत शीत धाराएं जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं वहां के तापमान को ठंडा करती जाती हैं। यह सब किस कारण से होता है? महासागर के कारण से होता है। इस प्रकार महासागरीय जल धाराओं के कारण तापमान पर प्रभाव पड़ता है। अगला है वर्षा होने में सहायक। प्यारे बच्चों, हमारे लिए वर्षा बहुत ही जरूरी है। हमारे लिए ही नहीं अपितु पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वनस्पतियों और सभी जीव जंतुओं के लिए वर्षा होना बहुत ही आवश्यक है।
वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन सृष्टि की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह वर्षा होने में महासागर ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर में साल में महासागर की तरफ से मानसूनी हवाएं अस्त की तरफ चलती हैं। आपको याद होगा, आप देखते होंगे कि प्रत्येक वर्ष जैसे ही गर्मी के महीने में मई का महीना आता है, गर्मी के मौसम में मई का महीना आता है, वैसे ही समुद्र की तरफ से मानसूनी हवाएं चलती हैं और आकाश में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हमें दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे ये बादल के टुकड़े गहरे होकर वर्षा करते हैं। जब ये महासागर नहीं रहते तो क्या मानसूनी हवाएं चलती, क्या वर्षा होती? नहीं। तो जिन जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है, मई जून के महीने में बहुत गर्मी रहती है, अचानक वर्षा होने से क्या होता है, मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इस प्रकार वर्षा होने से मौसम में जो परिवर्तन होता है, मतलब ठंडा जो मौसम या गर्मी से राहत हमें मिलती है, वर्षा के कारण मिलती है। और वर्षा किस कारण से होती है, महासागर के कारण होती है। इस प्रकार महासागर और जलवायु से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, इसके बारे में हमने सीखा। आगे चलते हैं। क्या तुम जानते हो प्यारे बच्चों, भविष्य में सागर में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं या महासागरों में जो ज्वार और भाटा आते हैं, इनमें जो ऊर्जा होती है, इनमें जो ताकत होती है, जो बल होती है, इसको संचय करके विद्युत निर्माण करने की प्रक्रिया की जा सकती है, किस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य यानी खोज कार्य जारी है। महासागर का जल खारा होता है, आप सभी को पता है, और अरब के कुछ देश जहाँ पे पानी की बहुत ही समस्या होती है, वहाँ महासागर के खारे जल को मीठे जल के रूप में परिवर्तित करके पीने के योग्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है। भविष्य में आने वाले समय में यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है और देश ऐसे काम कर सकते हैं, यानी खारे जल को मीठा बनाकर पीने के काम में ले सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गेट वे ऑफ इंडिया की तरफ घूमने के लिए गए होंगे और वहाँ के समुद्री किनारों की तरफ गए होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट, रेती और कंक्रीट से टेढ़े मेढ़े पत्थर के आकार के बड़े बड़े भाग पार्ट ढालकर ऐसे समुद्र के किनारे रखे गए हैं। उस आप लोगों ने देखा होगा, उस पर जाके लोग बैठते हैं। क्या वो बैठने के लिए रखे गए हैं? नहीं, वे इसलिए रखे गए हैं कि समुद्र की तरफ से जो लहरें आती हैं और किनारों से टकराती हैं तो किनारों को नुकसान न पहुंचा पाए, जो सीमेंट के बनाए गए पत्थर के नुमा जो रखे गए हैं, वो भाग रखे गए हैं, उसमें टकरा कर वे रुक जाती हैं। प्यारे बच्चों, समुद्री भागों में समुद्र के किनारे गरान के वृक्ष पाए जाते हैं और गरान के जंगल पाए जाते हैं। ये जंगल समुद्र की तरफ से आने वाले लहरों को रोकते हैं और समुद्र के किनारों को कटने से बचाते हैं। इसके साथ ही साथ ये गरान के जो वृक्ष हैं, बहुत सघन होने के कारण बहुत से जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े का वो आश्रय होता है, उसमें अपने घर बनाकर, अपने घोंसला बनाकर रहते हैं। इसके अलावा गरान के जो वृक्ष की लकड़ी होती है वो बहुत चिकनी होती है, मुलायम हल्की होती है और मजबूत होती है और साथ ही साथ टिकाऊ भी होती है। इस कारण से गरान के वृक्ष की लकड़ी नाव बनाने के काम में लाई जाती है। आगे हम चलते हैं महासागर एवं संसाधन। प्यारे बच्चों, महासागर को संसाधन का भंडार कहा जाता है। महासागर में अनेकों प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिसके कारण जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। अब लोग मछली तो जानते होंगे, मछली का उपयोग खाने के रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मछलियों से औषधियाँ बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, खादें बनती हैं और विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य महासागरों में किया जाता है। यदि महासागर न होते तो इतनी बड़ी मात्रा में मछलियाँ नहीं मिलती और मछलियों से होने वाले रोजगार, व्यापार, मछलियों से बनने वाली खादें, मछलियों से बनने वाली दवाएँ फिर कैसे बन पाती। तो महासागर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अलावा महासागर में अनेकों प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। महासागर में पाए जाने वाले खनिजों में लौह, सीसा, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीज, क्रोमियम और जस्ता आदि प्रमुख हैं। महासागर में इन प्रकारों के खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा महासागर के तल में कई जगहों पर खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं।
महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में अरब सागर में, अरब सागर के तल में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। अरब सागर में मुंबई हाई नामक स्थान पर खनिज तेल के भंडार पाए गए हैं, वहां से खनिज तेल निकाले जाते हैं। खनिज तेल यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। इसके अलावा प्राकृतिक गैस भी निकाली जाती है जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। इनके अलावा महासागर में बहुमूल्य वस्तुएं भी पाई जाती हैं, जैसे शंख, सीपी और मोती। मोती का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही कीमती धातु है, माला बनाकर पहनने के लिए काम आती है, आभूषण का काम करती है। यह मोती कहाँ से मिलती है? महासागर में पाई जाती है। महासागर में रहने वाली सीपी के अंदर मोती बनती है। यदि महासागर नहीं होते तो ये सब सारी चीजें हमें मिलना मुश्किल होता है, या मिलता तो बहुत ही कम मात्रा में मिलती। इसके अलावा प्यारे बच्चों, महासागर हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। आगे हम चलते हैं, अभी हमने जाना महासागर एवं संसाधन। अगला मुद्दा है महासागर और परिवहन। प्यारे बच्चों, महासागर और परिवहन, परिवहन के कुल कितने साधन हैं? प्यारे बच्चों, यदि आपसे कोई पूछता है परिवहन या यातायात के कुल कितने माध्यम हैं, तो आपका उत्तर होगा यातायात के तीन माध्यम, थल यातायात, जल यातायात और वायु यातायात। इन तीनों साधनों में सबसे सस्ता यातायात का साधन जल यातायात। जल यातायात सबसे सस्ता यातायात का साधन है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। जल मार्ग के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ में माल एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सकता है। विश्व में होने वाले एक दूसरे देशों के साथ व्यापार जल मार्ग के द्वारा ही किए जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जलयाने हैं जिनके द्वारा एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं। इसके साथ ही साथ इतनी बड़ी बड़ी जलयाने हैं जिनमें कई महीनों तक माल लोड होता रहता है, और माल लोड होने के बाद उसको समुद्र में उतारा जाता है, फिर समुद्र में उतारे जाने के बाद जिस देश में उस माल को भेजना रहता है, समुद्री मार्ग के द्वारा वह भेज दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक साथ में बहुत अधिक मात्रा में माल दूसरे देशों को पहुंच जाता है, और उसका जो भाड़े का जो खर्चा आता है वो कम आता है। और किसकी अपेक्षा? वायु मार्ग और थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग द्वारा जो सामान एक देश से दूसरे जगह पर पहुंचाए जाते हैं, भाड़े के रूप में उसकी लागत कम आती है, जिसके कारण वो सस्ते होते हैं। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, सागरी धाराएं जलयानों के परिवहन में अधिक सहायक होती हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने साइकिल चलाया कभी? तेज चलती हुई हवा के बीच आपने साइकिल चलाया है? यदि जिन लोगों ने साइकिल चलाया होगा, यदि हवा इस दिशा से इस दिशा में जा रही है, आप अपनी साइकिल लेकर इस दिशा से इस दिशा में जा रहे, हवा के विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि बहुत अधिक ताकत लगाने के बाद साइकिल आगे बढ़ रही है। यदि हवा इस दिशा से इस दिशा में जा रही है और आप साइकिल लेके भी उसी हवा की दिशा में जा रहे हैं, तो आप महसूस किए होंगे आपकी साइकिल बहुत तेजी से आगे जाती है। ठीक उसी तरह जो बड़ी बड़ी जलयानें रहती हैं, दो मंजिले तीन मंजिले जलयानें रहती हैं, तो समुद्री भागों में जिस तरफ हवा चलती है उस मार्ग का अनुसरण करते हुए जलयानों को एक देश से दूसरे जगह में पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक फायदा यह होता है कि जलयान की स्पीड ज़्यादा होती है, रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। दूसरा फायदा होता है कि ईंधन की बचत होती है। इस प्रकार महासागर यातायात के लिए भी सुलभ हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे देश जैसे कि स्पेन, नॉर्वे, जापान जैसे कई देश जो समुद्र के जल से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, समुद्र के जल से चारों तरफ से घिरे होने के कारण उन देशों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने अपने देश में ही एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए जल मार्गों का इस्तेमाल किया। इससे क्या हुआ कि बिना ट्रैफिक के, बिना किसी रुकावट के शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है, और इसके साथ ही साथ जो जल यातायात है ये सस्ता भी है, तो इससे उनको फायदा होता है, बहुत फायदा हुआ है, और ये देश अपनी तरक्की करने में बहुत तेजी से अपनी तरक्की किए हैं। प्यारे बच्चों, हमें महासागरों से अनेकों प्रकार के फायदे होते हैं, फिर भी हम महासागर को अनेकों प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। महासागर की एक बहुत बड़ी समस्या है, वह समस्या है प्रदूषण की समस्या। प्यारे बच्चों, हम अनेकों माध्यम से महासागरीय जल को प्रदूषित कर रहे हैं, और महासागर में
महासागर से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे मछली हुआ, शंख हुआ, सीप हुआ और महासागर में पाए जाने वाले वनस्पतियाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार जब महासागर का जल दूषित होगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा, हम सब पर भी पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं महासागर का जल किन किन कारणों से प्रदूषित होता है। यहाँ पर देखिए मुख्य कारण लिखे गए हैं, तेल का रिसाव, शहरों का कूड़ा कचरा सागरों में फेंका जाना, जहाजों द्वारा सागर में फेंकी जाने वाली सामग्री, तटीय क्षेत्रों में गरान वनों की कटाई, जलीय सुरंग निर्माण के समय होने वाला विस्फोट, कारखानों द्वारा छोड़ा जाने वाला गंदा जल। प्यारे बच्चों, अब ये जो मुद्दे लिखे गए हैं बोर्ड पर आपके सामने दिख रहे हैं, इन एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। पहला है तेल का रिसाव। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी जलयानों के माध्यम से एक देश दूसरे देशों के साथ तेल का व्यापार करता है, मतलब तेल भेजता है। बहुत सारे देश है जहाँ पर तेल बहुत अधिक मात्रा में जमीन के नीचे से निकाला जाता है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ उन देशों के अंतर्गत खनिज तेल पाया ही नहीं जाता। खनिज तेल मतलब डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन इत्यादि। प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब जलयान समुद्र में से जाते हैं तो उसमें से तेल का रिसाव होता है। तेल का रिसाव होने से क्या होता है, तेल समुद्र के जल में ऊपर फैल जाता है। इससे क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है। नुकसान किस प्रकार का होता है, समुद्र में पाए जाने वाले जलीय जीव और वनस्पतियों को इसका नुकसान होता है। एक बार सुनने में आया था कि दो बड़े बड़े तेल के जहाज समुद्र में आपस में टकरा गए थे। इससे क्या होता है कि पूरे समुद्र में तेल ही तेल हो गया था और बहुत बड़ी मात्रा में मछलियाँ मरी पड़ी थी। और क्या, बहुत सारे लोग जो मछुआरे लोग थे क्या किए थे, मछलियों को पकड़ लाकर बेचे। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उन मछलियों को खाकर बीमार पड़ने लगे। तो ऐसे समाचार में आया था कि अभी कुछ दिनों तक जो लोग मछली का सेवन करते हैं मछली का सेवन ना करें। ये सारी समस्याएं हैं। अगला है शहरों का कूड़ा कचरा सागरों में फेंका जाना। तो प्यारे बच्चों, इस संसार में जितनी भी नदियां हैं पहाड़ी क्षेत्रों से होकर निकलती हैं और अंत में आकर समुद्र में मिलती हैं, महासागर में मिलती हैं। जितने भी नदियां हैं सभी नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं। तो शहर में बहुत सारे कल कारखाने हैं, कल कारखानों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और इसके साथ ही जो वहाँ के लोग हैं अपने घर पर घर के कूड़े कचरे सब नदियों में फेंक देते हैं, नदी के किनारे रहने वाले। तो नदी के पानी के साथ साथ तो सारा का सारा कूड़ा कचरा बहकर आकर सागर में मिलता है। इस प्रकार क्या होता है, सागर का जल दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है और सागर में पाए जाने वाले जलजीवों को नुकसान हो रहा है। सागर में पाए जाने वाले जलीय जीवों को नहीं बल्कि हमें भी उससे नुकसान होता है। सागर में पाए जाने वाली मछलियों का सेवन हम करते हैं, सागर से प्राप्त होने वाले नमक का सेवन हम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नमक अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है पैकेट में बहुत सारे कचरे भी आ जाते हैं, तो उससे हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। तो जो हम कचरा या प्रदूषण सागर के जल में फैला रहे हैं उससे सागर का जल प्रदूषित हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है और दूसरे जलीय जीवों और इसके साथ ही दूसरे जीव जानवरों और जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। अगला मुद्दा है जहाजों द्वारा फेंकी जाने वाली सामग्री। प्यारे बच्चों, जो बड़े बड़े जलयान हैं, जो व्यापारिक जलयान है, व्यापार करने के लिए है, दो दो तीन तीन चार चार मंजिले के बहुत अधिक संख्या में बहुत अधिक मात्रा में माल लोड करके जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मर्चेंट नेवी का में जॉब करते हैं, ये जॉब करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को सुना होगा। तो ये सारे लोग क्या है, छः छः महीने तक समुद्र में ही रहते हैं, नाव में ही रहते हैं, जलयान में ही रहते हैं। तो इनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जो भी खाते पीते हैं, सारी चीज़ें जो वेस्टेज जो कचरा रहता है सब ये क्या करते हैं, समुद्र में ही फेंकते हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है, महासागर में जल दूषित हो रहा है। अगला मुद्दा है तटीय क्षेत्रों में गरान के वनों की कटाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गरान के वृक्ष हैं समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत ही मजबूत टिकाऊ और चिकनी लकड़ी होती है इनकी, इनका इस्तेमाल नाव बनाने के लिए किया जाता है। जब इन वनों की लकड़ियों को काटते हैं इससे भी जो प्रदूषण, इसके जो बचे हुए कचरे रहते हैं सब समुद्रों में फेंक देते हैं, इससे भी क्या होता है, समुद्र का जल दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अगला है जलीय सुरंग निर्माण के समय में होने वाला विस्फोट। प्यारे बच्चों, जापान देश ऐसा देश है जहाँ पे मेट्रो ट्रेन समुद्र के नीचे से चलती है। समुद्र के नीचे मतलब समुद्र के नीचे जो जमीन है उसके नीचे से सुरंग बनाकर उसमें से ट्रेनें चलती हैं। या फिर इससे यह देखकर बहुत सारे देश
समुद्री क्षेत्रों में विस्फोट करके सुरंग बनाने का काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, विस्फोट से समुद्र का जल भी दूषित होता है। अगला है कारखानों द्वारा छोड़े जाने वाला गंदा जल। समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे बसे हुए शहर और उन शहरों में जो कारखाने लगे हैं, उस कारखानों से निकलने वाला गंदा जल, बहुत ऐसी ऐसी केमिकल्स की फैक्ट्रियां हैं, दवाओं की कंपनियां हैं, जिसमें से बहुत ही जहरीला पानी, जहरीला पदार्थ पानी के माध्यम से नदियों में मिलता है और नदियों के माध्यम से सागर में आता है। इस प्रकार सागर का जल दूषित हो रहा है। प्यारे बच्चों, सागर हमारे लिए बहुत प्रकार से सहयोग करते हैं, हमें बहुत प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसी सागर के जल को हम दूषित कर रहे हैं। यदि हम सागर के जल को दूषित नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, तो हमें इन मुद्दों पर विचार करना होगा। ये जो सागर के जल के दूषित होने के जो एक कारण है, इन कारणों से हमें निजात पाना होगा, छुटकारा पाना होगा, तब हम सागर के जल को प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सागर का जल प्रदूषित होगा तो इसका प्रभाव एक देश, दो देश नहीं बल्कि पूरे संसार को पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा महासागर और जलवायु, महासागर और संसाधन, महासागर और परिवहन, सागर की समस्याएं या महासागर की समस्याएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो ये सब मुद्दों के बारे में आपको बताया गया, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और मुद्दों को अच्छे से समझिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए नमस्कार।